जो ये टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन के आगे प्रोसीड कर रहे हैं, यानी इसे पूरा कर लेंगे तो CNS हमारा पूरा हो जाएगा। दो ही पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने पहले डायग्राम में आपको शो किया है पूरा CNS। लुक ऑन द ब्लैक पेन, देखिए ब्रेन बना होगा और एक स्पाइनल कॉर्ड बना है। तो इस डायग्राम में ये शो किया है कि सर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तकरीबन 42 से 45 सेंटीमीटर का होता है। एक जनरल जीके के लिए लिख दिया, औसत हाइट है तो, अब 4 फीट के आप हैं तो ये बात लागू नहीं होगी। तो ये मैं सोचेगा सब लोग 42 से 45 सेंटीमीटर ही सोचो, ये औसत हाइट लिखी गई। इसकी जो विड्थ होती है तकरीबन 2 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम में नीचे है ये L2 ब्लैक पेन से, देखिएगा हमने स्पाइन कॉर्ड ब्लैक पेन से बनाया था, तो ऊपर जो कलर बनाए हुए मेनिंजेस हैं और कलर वही है जो आपने मेनिंजेस में बनाया था। पाया मैटर हमने सबसे अंदर, लेवलिंग कहीं नहीं की है, पाया मैटर सबसे अंदर होगी रेड कलर, उसके बाद ग्रीन कलर होगा, रिक्वायर्ड मैटर ब्लू पेन होगा, ड्यूरा मैटर सर इन दोनों के बीच में स्पेस नजर आ रहा होगा, उसे सब रेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। तो लेवलिंग अवॉइड की हमने। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट विल एक्सटेंड ओनली द सेकेंड लंबर, सेकेंड लंबर मतलब आप लंबर गिनते आइए, जहां L2 खत्म होती है बस यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड समाप्त हो जाती है। ये पहला सवाल है, इसे स्टार्ट्स विद मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कोरिलेट कर सकते हैं, बट एंड एट द लेवल ऑफ L2। ये डायग्राम आपको दिख ना रहा हो तो वही यहां देखिएगा, थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन जहां पर वो खत्म हो रही है स्पाइनल कॉर्ड उस जगह ऐसे कोनिकल फॉर्म बनना शुरू होता है। तो उस पॉइंट को नाम देते हैं कोनस मेडुलरिस। तो लिखा हम लोगों ने लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अ कोनिकल इन द शेप नोन एज अ कोनस मेडुलरिस, लेकिन इतनी जल्दी ये सही होगा नहीं, खूब गलत होता है। फिर जरा नीचे आइएगा ऐसे, जो ये आपके पास यहां लाल रंग का हमने बना रखा है, तो लाल रंग वाला हिस्सा पाया मैटर होगा, जैसे हमारे हाथ को मान लीजिए ये स्पाइन कॉर्ड है, ये हमारी शर्ट को मान लीजिए ये पाया मैटर है। तो सर ये ऐसे होगा यहाँ तक, तो हमारा हाथ देखिए मुट्ठी मैंने बंद कर ली, ये L2 लेवल है, पाया मैटर यहाँ तक आया दिस। उसके बाद ये जो पाया मैटर होगा यानी हमारा जो शर्ट है दैट विल एक्सटेंड इन फॉर्म ऑफ ए थ्रेड, ऐसे थ्रेड के फॉर्म में एक्सटेंड कर रहा है, ये स्पाइन कॉर्ड नहीं है, ये शर्ट का एक्सटेंशन है। कलर देखिए बदल गया होगा, नाम है इसका फाइलम टर्मिनल, स्पष्ट कलरफुल नजर आना चाहिए कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पाइन कॉर्ड। स्पाइन कॉर्ड होता तो मैं ब्लैक पेन से बना था। तो ये है फाइलम टर्मिनल, देखिए लिखा है एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर। अब सवाल गलत कहां से होता है, एक सवाल पूछा जाता है लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइन कॉर्ड इज नेम्ड एज, स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम हिस्सा क्या है। तो डायग्राम बना है तो सही है, बना भी है लिखा भी है तो कर ही लोगे, इन एग्जाम में हम आपके मनोवैज्ञानिक स्थिति बताएं क्या होती है। लड़का सोचता है लास्ट मतलब अंतिम और मेडुला मतलब बीच में, ये तो हो ही नहीं सकता, सेटिंग में कहाँ बैठता है सोचिए। कभी भी मेडुला आपने कहीं पढ़ा होगा सब बीच में बनाया होगा, एडनल मेडुला तो हम भी पढ़ाएंगे आपको, तो बच्चे को लगता है कि सर होगा कॉनिकल लेकिन ये तो बीच में होता है, और जैसे ऑप्शन पड़ता है टर्मिनल मतलब एकदम अंतिम में होता है यही होगा, इससे आंसर कराता है। ये बार बार आगाह करते हैं, एनाटॉमी यही दिक्कत करती है। किसी बच्चे से आप कहेंगे एनाटॉमी टफ है, एग्जाम में टफ है, क्लास में टफ नहीं होती। क्लास में अगर आप बहुत ध्यान से हमारी बात सुन रहे हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि दिखने लगती है, विजुअलाइज बस हो जाए एक बार आपको, लेकिन एग्जाम में रिटेन तब रहेगी जब आपके सामने पिक्चर से बन जाए। तो ये एनाटॉमी का ही पॉइंट है, जब तक आप इस पिक्चर को जहन में नहीं फीड करोगे ये सवाल हमेशा गलत होगा। और कुछ एग्जामिनर बदमाश होते हैं, वो लिखते हैं टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, वो ऐसे ही लिखते ही हैं कि आओ तुम्हारी तरह हम भी हैं, तो वो सेटिंग इतनी सही होती, बायो में सेटिंग पे जमाना चल रहा है तो वही सेटिंग का चल रहा है, दोनों पॉइंट खुल गए। अब जरा दूसरा और हिस्सा देखिएगा, यहां पे ग्रीन और ब्लू पेन जरा चेक करिए, ये उन्होंने सब एरेक्नॉइड स्पेस बनाया होगा रेड ऑफ, सर ये वाला हिस्सा से L2 पे नहीं समाप्त होता, ये वाला हिस्सा थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर जाता है। लुक द डायग्राम C1, 4 सर्वाइकल थी आपके पास, सब मिल करके कॉकिक्स बन रही थी, तो C1 के लेवल तक ये एक्सटेंड करता है, कॉडल कॉकिक्स वही एक ही तो नाम है यार, क्यों तक कंफ्यूज कर रहे हो, ये सर्वाइकल है
कॉकिक से बोल रहा हूँ, कॉक्सीजियल कह दू, ठीक, चलिए कॉर्डल कहला लो, कॉक्सीजियल कह लो, कॉर्डल वर्टिब्री होती है, जब फ्यूज कर जाता है तो उसे कॉकिक्स कहते हैं, कॉर्डल कहिए या कॉक्सीजियल कहिए। तो ये C1 है, सर्वाइकल नहीं कॉर्डल से है, तो यहां तक एक्सटेंड करती इस जगह तक। तो अगर आप याद करिए सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसमें CSF भरा था, वही डायग्राम यहां आ गया। तो हमें कुछ जांच करने के लिए कई बार हमको CSF निकालना होता है, कोई ब्रेन की जांच जब करनी होती है तो हम उसमें से CSF कलेक्ट करते हैं। अब CSF दो ही जगह पाया जाता है, या तो वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल में आप सुई घुसेड़ के निकाल लीजिए, और या फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस में। तो वेंट्रिकल और अगर सेंट्रल कैनाल से आपको निकालना होगा तो आप सोचिए न्यूरॉन डैमेज नहीं हो जाएंगे भाई, यहाँ है सेंट्रल कैनाल, घुसेड़ोगे तो इतने सारे न्यूरॉन नहीं डैमेज होंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा सब अरेक्नॉइड स्पेस से निकालने के लिए। लेकिन सब अरेक्नॉइड स्पेस अगर यहाँ से निकालेंगे आप, तो सुई जरा सी आगे बढ़ गई तो स्पाइन कॉर्ड में छू जाएगी। तो हम लोग उस जगह से CSF निकालते हैं जहां स्पाइनल कॉर्ड समाप्त तो हो चुकी हो। तो L2 पर समाप्त हो गई, उसके बाद L3 L4 क्यों कहा, हम व्यक्ति को क्या करते हैं उकड़ू समझते हैं ना, ऐसे बैठता और आगे झुक जाता है। जब ऐसे आगे झुकना शुरू करेंगे तो ये वर्टिब्री के बीच में गैप बनेगा, तो यहां थर्ड और फोर्थ लंबर के बीच में सुई घुसेड़ देते हैं। वर्टिब्री के बीच में घुसेड़ोगे तभी तो पहुंचोगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो थर्ड और फोर्थ लंबर के बीच में सुई घुसेड़ करके CSF निकालते हैं। ये देखिए अब यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया तो न्यूरॉन के डैमेज होने की संभावना कम है। इसी फिनोमिना को कहते हैं स्पाइनल टैपिंग या लंबर पंक्चर। ये तीसरा सवाल है, यही पूछा जाता है किस लेवल पर किया जाता है, तो L2 के बाद ही करते हैं, तो प्रेफरेंस गोज टू द L3 एंड L4। अब चौथा सवाल देखें, जैसे हम लोग के पास सब पढ़ेंगे आगे जा करके, ब्रेन से जो नर्व निकलेंगे उसे हम लोग क्रेनियल कहेंगे, और जो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो स्पाइनल। तो यहाँ वाली जो स्पाइनल नर्व हैं वो सर ऐसे ऐसे निकलती जाती, लेकिन जो नीचे वाली स्पाइनल नर्व है वो कई बार 4-6-10 स्पाइनल नर्व फाइलम टर्मिनल के साथ रन करती है। इधर भाई देखिए ऐसे निकलती जा रही है, लेकिन जो फाइलम टर्मिनल के साथ निकल रही है इसके आसपास, तो ये पूरा गुच्छा एक साथ बाहर में निकलता है। उस पूरे गुच्छे को नाम देते हैं कॉडा इकोना। कॉडा का मतलब पूंछ और इकोना का मतलब घोड़ा, इक्वस। तो घोड़े की पूंछ कभी देखिएगा, ना देखी हो तो, ऐसे सारे जो इसके टेल वाले पार्ट होते हैं सब एक ही जगह से निकलते हैं लगभग, ऐसी होती है घोड़े की पूंछ। तो इसकी तुलना उसी से की गई है। तो कॉडा इकोना जो है ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये फाइलम टर्मिनल और फ्यू टर्मिनल स्पाइनल नर्व, ये बंच को नाम देते हैं कॉडा इकोना। लड़कियों को चोटी करते देखा है सर, यहां से बाल लिया सारा और यूं करके यहां पे बैंड लगा दिया, तो हमने पूछा क्या किया, कि सर पोनी बना दिया। पोनी, पोनी जानते हैं किसे कहते हैं, गधा। तो पूरा नाम है उसका पोनी टेल, गधे की पूंछ बना दी। तो वो लड़कियां खुद ही कहती हैं सर हमने आज एक पोनी बनाई है, दो पोनी बनाई है, एक गधे की पूंछ बनाई है, दो गधे की पूंछ। तो कई बार हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ऐसे करते हैं हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। कोई ऐसे कह दे गधे की पूंछ तो बुरा लग जाएगा इनको, तो ये भी पोनी टेल है कह नहीं रहे हम। अब गधा कहो या घोड़ा कहो, देखने में तो लगभग एक ही जैसे हैं। तो गधे की पूंछ या घोड़े की पूंछ, जो कह लीजिए, पोनी टेल इसका भी नाम है। तो ये भी तो सारे बाल एक ही जगह इकट्ठे हुए और एक जगह ऐसे बंच बनाया, द सेम इज हेयर। तो चौथा पॉइंट सर, पांचवा यहाँ से देखें, जैसे मान लीजिए हम आपको स्पाइन कॉर्ड ऐसे लेते, ये हमारे स्पाइन कॉर्ड है, हमारी पीठ में ऐसे है, तो हम सर इसको निकाल लाएं, और ऐसे जब निकाल लाएंगे तो ये वाला हिस्सा वेंट्रल सर्फेस, ये डॉर्सल सर्फेस। तो अब हम वेंट्रल को आपकी तरफ किया हमने, तो एंटीरियर हुआ आपका, हमारा पोस्टीरियर हुआ, तो हम इसका सेक्शन काट रहे हैं TS। जब हम TS काटेंगे तो हम ही को दिखेगा, आपको भी दिखेगा क्या? तो हम क्या करेंगे, जो वेंट्रल पार्ट था उसे नीचे कर रहे हैं, ये ऐसे। तो जब हम नीचे कर देंगे तो ये नीचे आ गया, ये वाला डायग्राम यहां बना है। नीचे वाला हिस्सा जो है ये वेंट्रल पार्ट है। दिखाना क्या चाहते थे, क्योंकि पढ़ाया ही जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर शुड बी इन द
सेंटर है, सेंटर में सर। लेकिन सर इसमें कुछ एक्सटेंशन है ग्रे मैटर में दैट फॉर्म द हॉर्न सीन। तो ये हॉर्न वाला हिस्सा जो ऊपर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, वो डॉर्सल या पोस्टियर हॉर्न कहलाता है। जो नीचे दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न कहलाता है, और इधर दिखाई दे रहा है वो लेटरल कहलाता है। सर्वाइकल रीजन में ये नहीं पाया जाता, खाली मेरा ये पढ़ाने का प्रयोजन था कि आप हॉर्न शब्द से परिचित हो जाएं, क्योंकि जब पूछा जाता है डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, तो हॉर्न लोगों को सींग समझ में आता है ना सींग जैसा। तो ये ग्रे मैटर का बना होता है, इसमें व्हाइट मैटर बिल्कुल नहीं होता। और इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक स्पाइनल नर्व आप कुछ शुरू ही नहीं कर सकते। स्पाइनल नर्व अगर आपको कुछ भी सुनना समझना है संख्या के अलावा, तो तुरंत आपको ये चाहिए होगा, क्योंकि इसी से मैं निकालूंगा। तो आप इस डायग्राम से ये जाने कि ग्रे मैटर इज इन द सेंटर एंड दैट इज एक्सटेंडेड इन फॉर्म ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न एज वेल एज लैटरल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न को हम पोस्टियर हॉर्न कहेंगे, इनको एंटीरियर कहेंगे, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। जी खत्म। पांच पॉइंट बढ़ाए गिन के देख लीजिएगा। पहला पॉइंट था कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड L2 पे समाप्त हो जाती है इन फॉर्म ऑफ कोनस मेडुलरिस। दूसरा पॉइंट था कि सर कोनस मेडुलरिस यानी L2 के आगे पाया मैटर एक्सटेंड इन फॉर्म ऑफ फाइलम टर्मिनल। तीसरा पॉइंट था कि जब आपको CSF निकालना होगा तो आप L3 L4 के लेवल पर सुई को इंसर्ट करोगे जस्ट टू कलेक्ट द CSF एंड दिस इज द लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैपिंग। चौथा पॉइंट था कि सर फाइलम टर्मिनल साथ में कुछ टर्मिनल स्पाइनल नर्व मिल करके एक बंच बना लेती हैं, उसे नाम देते हैं कॉडा इकोना। और पांचवा पॉइंट इधर था कि अगर आप सेक्शन काटें तो ग्रे मैटर शुड बी इन द सेंटर दैट इज एक्सटेंडेड इन फॉर्म ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न। यस दैट्स ऑल फॉर स्पाइनल कॉर्ड। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। लिखाएंगे तो कुछ है नहीं, हमने पहले ही कहा था इतना सुंदर बनाया है तो क्यों लिखा भाई। यही पॉइंट तो आपको लिखाते चलेगा। yes, खत्म हो गई बात। अगली हेडिंग डालिए PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें पहली हेडिंग होगी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इसमें पहली हेडिंग होगी क्रेनियल नर्व। याद आया हेडिंग? वहीं से बस इतने ही पढ़ेंगे आप या इसके आगे पढ़ेंगे? तो परसों आपकी छुट्टी होगी, रिपब्लिक डे है, तो मेरी क्लास कब होगी? संडे आपका टेस्ट है तो नहीं, मंडे कहाँ, पहले कर लेंगे, बाद में क्यों करेंगे, काल करे सो आज कर, ठीक तो अभी करा दें क्या? कल कराएंगे। कल अमरीश सर जल्दी छोड़ते हैं आपको, कितने बजे छोड़ते हैं? एक बजे छोड़ देते हैं क्या? एक्स्ट्रा है अभी कंफर्म नहीं किया है ना, तो हम कंफर्म कर देते हैं। हमारे उनको बता दीजिएगा कमलेश सर ने क्लास लगाई 2 बजे से, खा लीजिएगा कुछ, 1 बजे छोड़ देंगे तो हम 2 से 4 आपको पढ़ाएंगे, ठीक? अब उन्होंने कंफर्म तो किया नहीं, उनको समझा। Thank you.